एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सेट गो विद अक्षिता। सो फॉर टुडे आई एम शेयरिंग द रिव्यू ऑफ विच ब्रांड, एनी गेस? राइट, टाइटल से आपको पता चल गया होगा। सो इट्स मामाअर्थ अनियन हेयर ऑयल विच आई ऑलरेडी शेयर इन माई नायका हॉल। इफ यू हैवंट चेक, डू चेक। आई बटन में आपको मिल जाएगा, एज वेल एज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड द रिव्यू पार्ट। बट हाँ, मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी कि कैसे आप इसे यूज़ करें जिससे आपको 2 वीक्स में इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। राइट, सो वीडियो पूरा देखें। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इट्स पैकेजिंग, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। वाइट और ग्रीन कार्डबोर्ड में आता है, एज वेल एज इसकी इनर पैकेजिंग भी सेम है, वाइट एंड ग्रीन। एंड मामाअर्थ क्लेम करती है एंड वर्क करती है इस चीज़ में, ये प्लास्टिक पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वी रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन वी यूज़। सो सबसे अच्छी बात है, आजकल रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, सो रिसाइकल इज मस्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड दी इनर पैकेजिंग, तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आता है, सॉलिड, काफ़ी अच्छा सॉलिड है, स्टेडी है। एंड इसका अच्छा एक ओपनर है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सो सॉरी, ऐसा इसका ओपनर है। एंड ये काफ़ी सिक्योर रहता है जब आप इसे बंद कर देते हो, जिससे कि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। यू कैन सी। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइस, इसका प्राइस 399 है। एंड आए दिन इसमें ऑफर्स चलते रहते हैं इन इट्स ऑफिशियल साइट, दैट इज़ मामाअर्थ, एज वेल एज नायका में इसकी सेल लगती रहती है, तो आप चेक कर सकते हो। जब मैंने पिछले बार नायका हॉल किया था तब इसमें 10% डिस्काउंट में मुझे रिसीव हुआ था। सो आप चेक कर सकते हो, शायद से यू आर द लकी वन कि आपको भी इसमें डिस्काउंट मिल जाए। सो ये काफ़ी अच्छी बोतल है, बहुत देर तक चलेगी, 1 साल तक तो कम से कम ये चलेगी ही चलेगी। एंड इसको मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें कि ये किसके लिए सुटेबिलिटी है। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट इट्स सुटेबिलिटी, तो ये मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जेंडर बायसनेस नहीं है। प्लस अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं एंड केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं तब भी आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, आफ्टर 3 months ऑफ स्मूथनिंग एंड रिमॉर्डिंग आपको कोई भी ऑयल यूज़ करना चाहिए। सो ये ऑयल भी आप आफ्टर 3 months ही यूज़ करें। रेस्ट ऑल हेयर टाइप्स के लिए, चाहे आपके ड्राई हेयर्स हों, डैमेज्ड हेयर्स हों, वेवी हेयर्स हों, कर्ली हेयर्स हों या सिल्की हेयर्स हों, आप ये तब भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी बैक साइड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट इट क्लेम्स, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस फॉर यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगी, कुछ कुछ सेगमेंट्स पकड़ती हूँ एंड आपको बताती हूँ। सो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, भिंगराज ऑयल, आमला ऑयल एक्सट्रैक्ट, गुड़हल ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मणी ऑयल एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल, अनियन एक्सट्रैक्ट, नेचुरल विटामिन ई, कास्टर ऑयल, अनियन सीड ऑयल, लाइम एसेंशियल ऑयल एंड जिंजर एसेंशियल ऑयल। काफ़ी नेचुरल ऑयल्स इसमें हैं। एंड आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनियन का नाम इतना लास्ट में क्यों है, क्योंकि कहा जाता है जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा होती हैं उसकी ज़्यादा मात्रा होती है। जस्ट लाइक इसमें सनफ्लावर ऑयल ज़्यादा है, जोजोबा ऑयल बहुत ज़्यादा है, अनियन ऑयल इतना कम क्यों है एज़ कंपेरिजन टू दीज ऑयल? आंसर इज सिंपल। सबसे पहले अनियन ज़्यादा आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। सो कुछ अमाउंट में आप यूज़ करेंगे अनियन ऑयल तो आपके हेयर ग्रोथ में वो प्रमोट करेगा, उसकी आपको गुडनेस तब मिलेगी। और इसको डाइल्यूट करने के लिए हम ये सारे ऑयल्स यूज़ करते हैं। सो इसमें सनफ्लावर ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, वो विटामिन ई तो पहले देता ही देता है, प्लस आपके बालों को हेल्दी एंड शाइनी बनाता है। अनियन है तो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्लस हेयर फॉल कम होगा। सो विच इट क्लेम्स ऑल्सो बूस्ट हेयर ग्रोथ, गिव स्ट्रेंथ एंड शाइन, नरिशेस स्टाइल। सो मुझे तो इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छा लगा। एज फार एज दी मैं कहूँ कि 2 वीक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। ये नहीं कहूँगी कि मुझे एकदम से हेयर फॉल कम हो गया है, बट येस रिड्यूस हुआ है इससे। एंड एक मैं आपको टिप दूंगी जो मैं आपको पहले इनिशियल टाइम में बता रही थी कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ जिससे आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे इन 2 वीक्स। सो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, ठीक है। उसमें अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ऑयल लीजिए। मेरे बालों की लेंथ मीडियम है तो मेरे 1 टीस्पून में काम हो जाता है। सो 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया एंड उसे ल्यूकवार्म कर लिया। सो ल्यूकवार्म आप डबल बॉयलर के प्रोसेस से भी कर सकते हो या तो आप माइक्रोवेव कर सकते हो फॉर 40 सेकेंड्स। उसके बाद जब वो गर्म हो जाए तब आपको कॉटन लेना है। सो उसको उसमें डिप कर देना है एंड डिप करके अपने स्कैल्प में लगाना है, ऐसे ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे हर जगह अपने जैसे स्कैल्प में ऐसे ऐसे लगाना है। जब आप ऐसा करते हो तो ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है आपकी स्कैल्प में एंड आपको उसकी गुडनेस कहीं ज़्यादा मिलती है। अगर आप ऐसे ही लगा लोगे मतलब ऑयल तो उसकी गुडनेस मिलती है बट उतनी नहीं मिल पाती, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब आपने ऐसा कर लिया फिर आप हेयर लेंथ में आओगे, ऐसे लगाओगे ऐसे। फिर जब ये चीज़ें हो जाएं, जब आपने ऑयल अच्छे से लगा लिया तब आप अच्छे से मसाज दोगे, बहुत अच्छे से। एंड अगर आपका उस टाइम हेडेक है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी चम्पी रहती है इससे, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग अ गुड चम्पी आपको फिर हेयर वॉश कर लेना है, या तो आप ओवरनाइट भी इस ऑयल को रख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं जो करती हूँ मैं 3-4 आवर्स तक इस ऑयल को रखती हूँ अपने हेयर्स में, देन हेयर वॉश कर लेती हूँ। एंड या गाइस आप ऑयल ज़्यादा मत लेना, ओवर द लिमिट लोगे सो इससे ना छोटे छोटे पिंपल भी हो सकते हैं। वैसे तो किसी भी ऑयल से हो सकते हैं अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपकी ऑयली स्किन है। सो माइंड इट, आप लिमिटेड क्वांटिटी लोगे तब भी उसके उतने ही बेनिफिट्स होंगे। बस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ऑयल कैसे यूज़ करना है आप उसी तरह यूज़ करें, राइट। और अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ वेला प्रोडक्ट्स की, सो वो भी चेकआउट करना ना भूलें। सो नोटिफिकेशन बेल आप बजा दीजिए सब्सक्राइब बटन के साथ। ओके, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Bye and take care. Like and share and comment down what you like in this video and what not. Okay? And yeah, subscribe तो मैंने बोल ही दिया है. Bye.